क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ सोशल मीडिया पर उर्वशी के नोकझोंक की खबरें खूब लोगों ने एंजॉय की। दोनों को लेकर सोशल मीडिया में तब ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई जब एक बार उर्वशी ने आरपी कहते हुए एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि वो जब एक शूट के सिलसिले में दिल्ली गई थी तो किसी आरपी नाम के शख्स ने उनका एक होटल में पूरी रात इंतजार किया था। यहीं से लोगों को लगा कि वो ऋषभ पंत की बात कर रही हैं। हालांकि बाद में ऋषभ पंत ने भी सफाई दी और कहा कि ये सिर्फ उनका पब्लिसिटी स्टंट है और उर्वशी से उनका पीछा छोड़ने की बात ऋषभ पंत ने कही थी। इसके बाद भी कई बार दोनों के बीच सोशल मीडिया पर तकरार देखने को मिली, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही निकला है। हाल ही में उर्वशी रौतेला एक नए मैट्रिमोनियल एड को लेकर फंस गई हैं और लोगों को लग रहा है कि एक बार फिर उर्वशी रौतेला ऋषभ पंत को लेकर ही बातें कर रही हैं। देखने वाली बात यही है कि उर्वशी ऋषभ पंत की हाइट का मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन उर्वशी ने इस बार सोशल मीडिया पर लिखकर अपनी सफाई दी है। उर्वशी ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया और लिखा कि उन्होंने एड में जो भी दिखाया है वो केवल स्क्रिप्ट का हिस्सा था। उर्वशी रौतेला पिछले दिनों एक मैट्रिमोनियल ब्रांड के एड में नजर आई थी जिसमें वो एक्टर्स, बिजनेसमैन, सिंगर्स और क्रिकेटर्स को लेकर बातें कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैं तमाम लोगों से मिली जिनमें बिजनेसमैन, एक्टर और कुछ क्रिकेटर्स शामिल हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो मेरी हाइट के नहीं है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों को लगा कि शायद उर्वशी ऋषभ पंत के बारे में ही बातचीत कर रही हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग कमेंट करने लगे। इस एड के आते ही लोगों को लगा कि उर्वशी ऋषभ पंत पर ही निशाना साध रही हैं और उनको ट्रोल कर रही हैं। लोगों का कहना है कि उर्वशी ने भले ही क्रिकेटर का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ही वो मजाक उड़ा रही हैं। उर्वशी ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये ब्रांड की कॉमन स्क्रिप्ट है, ना कि किसी और का डायरेक्ट इशारा। पॉजिटिविटी फैलाओ। जिम्मेदार होने के नाते मैं समझती हूँ कि ब्रांड के एम्बेसडर के रूप में लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है। वेल, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप भी हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी एंटरटेनमेंट।